ये तस्वीर जो है 12 साल के बच्चे की है और ये बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ दिन पहले लापता हो गया था और ये पूरा परिवार जो है इस समय बाईसो पानीपत पर लाइव है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये बच्चा जो है मिल सके। ये बच्चे के पिता हैं और ये बच्चे के रिश्तेदार हैं। वीडियो शेयर जरूर करें क्योंकि मेरा बच्चा देता रुपया तो ले मैं तो इतनी मेरा बच्चा देता भैया तीन रुपया लाख रुपया लेने मेरा बच्चा मिल जाए भैया। ये बच्चे के पिता हैं जो रो रहे हैं कि लाख दो लाख रुपए चाहे तो फिर भी दे सकता हूँ, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं है। परिवार वालों से भी बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस बच्चे का जो है कुछ पता लग सके कहाँ का बच्चा है और कब गुम हुआ है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है इसका? इमानसु। क्या हुआ था? स्कूल से आया दो बजे से तीन बजे गया दुकान पे चीज लेने के लिए, फिर वापसी नहीं आया वो। कब की बात है? परसों 31 तारीख की। अच्छा, हाँ। तो आसपास में पूछा सारा? सबसे पूछा, हर जगह ढूंढ लिया है, कैमरे में भी देखा, कैमरे में भी दिखा रहा है, बस उसके टाइम पे वापसी नहीं आया घूम के घर से गया, सीधा चला गया, सीधा से वापसी नहीं आया। और ड्रेस में, स्कूल ड्रेस में था? नहीं, वैसे घर के कपड़े पहन रखा है उसने। जींस की पैंट है, अब चप्पल है पट्टे वाली और टी शर्ट है, बस वही पहन रखी। गले में धागा है लाल कलर का ये, हाँ बस वही है। ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई गुस्से में 10 रुपये लेके गया, मैं दीदी चीज लेने जा रही। हाँ, मारा पीटा तो नहीं था उससे? नहीं सर, हमको नहीं पता है। सिर्फ दीपावली को रखा बांधन गया था, उसे आठ दिन पहले आ गया था, हिमाचल में माल लेने गए थे, उसको अपनी चाबी भी दे दी मैंने, इनका घर पे गया, इनने वापसी भी नहीं करा। मेरा चोरा किसने? इनने मेरा वापसी भी नहीं करा। अपने बाप माते की बाप तिर जाओ, मैं रहते थे रामपाल कुंडू की गोदाम में, उसके पास चाबी भी थी, कमरे में रहते थे, ऊपर रहते थे, हर चीज उसके पास थी, इन्हें बापती भी नहीं करा। आप कौन हो? मैं उसकी बहन हूँ। बहन? वो लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं था, बस रोटी खाई, रोटी खा के नू बोला कि मैं चीज लेने जाऊंगा, पैसे दे दे। तो मैंने बोला चीज लेने जाता होगा, मैं नीचे तक आई गेट तक, उसके बाद मैं खड़ी रही काफी देर नीचे, और वापसी नहीं आया। फिर 5 बजे के करीब मैं सोचा ये गया होगा बुआ के कमरे पे, फिर इनके कमरे पे भी नहीं था, वहाँ से फिर सीधा पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं कोई पता नहीं चल रहा उसका, कल परसों से। अच्छा, हाँ। कुछ बताया नहीं था, कोई तंग करता हो? कुछ नहीं बताया कि हाँ मुझे परेशानी, और परेशानी पूछी भी थी फिर भी कुछ नहीं बताया उसने। कहाँ से गुम हुआ ये? पूरा एड्रेस बताने जरा। स्कूल किशनपुरा 21/22 लंबर मोहन लाल का मकान। आप कौन हो जी? मैं मकान मालिक नहीं हूँ जी। इनकी? हाँ। अच्छा, कहाँ का एड्रेस पड़ता है ये? किशनपुरा मर्सी स्कूल। अच्छा। मकान का लंबर 21/22 है, मोहन लाल का मकान। अच्छा। मेरा नाम शकुंतला, मेरे नाम रजिस्ट्री है। अच्छा, ये बच्चा पता लगा कुछ कैसे, कोई परिवार वालों से बात हुई ना? कुछ नहीं पता लगा, वो तो चीज लेने गया था, मैं बोली मानसू कहाँ जाने वाला चीज ले आऊँ हंटी में, बस फिर 6 बजे हमने ढूंढा चालू कर दिया, रात के 1 बजे तक। एक पता, ये तो मकान मालिक है, इनको क्या पता कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी, इनको क्या पता। मेरा हो रही थे 8 दिन बच्चा चला गया था, जब इनने नहीं फोन करा तो मेरे जहाँ मैं रामपाल कुंडू खिया गोदाम पे काम कर रहे थे, उनके बच्चे पकड़ के लाए थे, फिर आया, फिर चला गया, फिर भी इनने हमसे नहीं कही सर कि अपना बच्चा ले जाओ, फिर राखी बांधने लड़की भी गई मेरी, जब मैंने चलो अपनी लड़की एक बार रहता है कोई बात की बात बताओ, ये पिछली बात तो छोड़ो, आप पिछली बातें क्या है? हाँ, अब क्या कह के गया घर पे? लास्ट बारी कब बात हुई थी आपकी? रात बारी राखी बांधी, फिर मेरे घर पे नहीं गया, हम रहते हैं बिंजल में। आपके पास क्या था? हमारे पास रहता था, पढ़ता था स्कूल में, और अच्छे खासे मेरा 2 बेटे हैं, उसे भी अपने बेटे मानते, इतने से अपने पास राख रखा है। उसकी माँ मर गई, अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरे बेटे के साथ नहीं होगा। हैं, मैंने कभी नहीं सोचा है। मैं ड्यूटी करते हैं, मैं ड्यूटी करते ड्यूटी करते हैं, ये घर में रहती है। लड़की की शादी कर ले, बगैर राजी मेरी लड़की की शादी कर ले, हमने पूछा भी नहीं। ये सब झूठ है, इनका कुछ नहीं, सच्ची बात है, कुछ नहीं मामला इनका, इनसे मैंने ये कहा था ना, ये शादी बात के बीच में आ गई, लड़का गुम हुआ, लड़के की बात करो ना। सारी बात कहूंगा, लड़का तो मेरा, तुमने गुम करा और किन्ने गुम करा? किस बात पे गुम करा? उसे घर से बुलाया था। तुमने गुम करा मेरा और किन्ने गुम करा?
मेरे पाप है कितना घूम रहा था ना 8 साल पहले ही घूम कर देती उसे मेरी बिगर राजी लल्ली तुमने शादी कर ली तुम्हारे खाते में पैदा भी मेरा पड़ा है एक जवान ने लिया अभी चक्कर वाला जाके खाता आ समझ में तुम हमसे पूछ लेती मैं बिगर राजी तुम्हारा तुम्हारे पैर छू लेते मैं तुम्हारी शादी करते थे इन्हीं के साथ हम तो कह देती मेरे बानो है मेरी बहन कह देती मेरे साथ मेरी शादी कर दो छोरा गुम हुआ छोरे की चिंता है ये शादी चिंता नहीं है हमें अपने छोरे की चिंता है आप इससे क्या लगते हो मैं इसकी बुआ लगती हूँ मेरे से मम्मी कहता है बुआ नहीं कहता है मुझे छोरे की टेंशन है मेरा छोरा मिलना चाहिए कहीं भी हो मेरा बेटा मुझे मिलना चाहिए बस मुझे अपने बेटे की आएंगी नहीं आएंगी तुम्हारे इधर पांच हीरे आएंगी नहीं आएंगी पुरानी बातें अब इनके ऊपर शक है इन्होंने गुम किया जब इनके पास रहता था तो हमें था कि इन्हीं के ऊपर है जब वो कह रहे पालन पोषण छोटे होते क्या तुम्हारे तुम कहाँ पे अलग रहते हो मैं तो अकेले रहते हैं सर बच्चा कैसे पलेगा तुम सारा दिन काम पे चले जाते थे बच्चा काम पे नहीं बच्चा मेरे पास रहता था 1.5 साल काम करा रामपाल कुंडू की गोदाम में मैंने होने चाबी बच्चा कहाँ रहता था होना रहता था रामपाल कुंडू की गोदाम ये अच्छा पाल सकते थे कि तुम अच्छा पाल सकते अच्छा नहीं होना उनके भी घर पे खाना खाने जाता था हुआ भी रहता था हाँ होरी के 8 दिन पहले गया था तुम्हारे को शक है इन्होंने गायब किया बच्चा साक हमको जे है सर जे हमको बता जे हमको जे बात कह देते अपना बच्चा हमको ले जाओ जे हुआ रोकते ना कही थी लेने नहीं है कही थी तुमको मैं इनका दीदा हूँ उसका छोरे का कही थी इन्होंने 10 बार फोन कराया मेरे को कॉल डिटेल भी चेक करवा ले शराब पीता होता नहीं पीते है हाँ कुछ नहीं पीते है हाँ और जो है लड़की मेरी गई थी वहाँ गई थी इन्हें भोर में उसको बुला लिया था सर जी मेरी बात सुनो मैं तो अपने बेटे हमारी गली में आप आ जाओ मेरे मोहल्ले में पूछ लो मेरे पड़ोस में पूछ लो हर जगह पूछ लो पड़ोस में आके मैं बच्चे को कैसे रखती हूँ न्यू समझाते हैं पढ़ मैंने कभी नहीं सोचा अपने कभी नहीं सोचा मैंने मैं ये मैं इनके पास रहता था पढ़ता नहीं था खवाते थे घुमाते थे अपने रखते थे पास में और मेरे पास मैंने नाम लिखा दिया उसका स्कूल में पढ़ने जाता है और कहीं नहीं जाता उस दिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया तो निकल गया नहीं तो घर से बाहर नहीं जाता था। मैंने दिए थे सारे 10 रुपए 10 रुपए लेके गया था घर से 10 रुपए लेके गया था चीज खाने के लिए मैंने दिए थे। नहीं हमारा बेटा मिलना चाहिए कहीं है कहीं भी हो हमारा बेटा चाहिए मुझे बस चलो वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें टाइटल में मोबाइल नंबर है अगर जो मिल जाए तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें फिलहाल FIR जो है FIR दर्ज करवा दी है इसमें FIR दर्ज जो है हो गई है तो आप 112 और 100 नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं 2200 पानीपत प्रदीप पंजाल के साथ दुल्हन